फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है बताएं कि आपको एज टेक्नीशियन जो फर्स्ट सिस्टम में आज पेपर हुआ है उसके उसको एनालाइज करके बताएंगे आप किन किन चैप्टर्स को अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप एज टेक्नीशियन के फर्स्ट स्टेज को सीबीटी फर्स्ट स्टेज को आप आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे और उसमें से मोर देन 75% आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर हम मैथ सेशन की बात करें तो परसेंटेज से ज़्यादातर दो क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से दो क्वेश्चन जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन कुछ पूछा नहीं था, सिंपल क्वेश्चन आए थे परसेंटेज फाइंड करने से कौन से परसेंटेज फाइंड करने आए थे। और अगर प्रॉफिट लॉस की बात करें तो आराम से नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वर्क एंड टाइम से पूछे गए हैं। वर्क एंड टाइम में पूछे गए थे क्वेश्चन ए बी सी दिया गया था कि ए बी सी कोई काम अगर 15 दिनों में करते हैं और ए का दिया गया था ए अगर इतने घंटों में करते ए और बी इतने घंटों में करते हैं तो सी का मान बताना था। तो ये भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसके इसी पेज पर और एक क्वेश्चन आए थे कि अगर कार्य क्षमता के आधार पर कोई व्यक्ति है वो जो कार्य करता है वो दूसरे व्यक्ति होते हैं उसके वो उसके तीन पूरी क्षमता के कार्य करते हैं तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जिसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा वर्क एंड टाइम से जो है लगभग 4 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा सर्कल से 1 क्वेश्चन आया था और टेक्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा अगर मेंशनेशन की बात करें तो मेंशनेशन से भी नॉर्मल 2 क्वेश्चन आए थे। जो क्वेश्चन आया था वो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, पूछा गया था कि जो बेलन होता है बेलन का आइटम दिया गया था और दिया गया था कि अर्ध गोलार्ध का जो आइटम होता है वो उसकी वैल्यू दी गई थी और हमें बताना था सिर्फ कि सिलेंडर के और जो है गोला है उसके जो त्रिज्या की जो रेशियो है वो फाइंड करना था हमको। तो हमको R1 रेशियो R2 फाइंड करना था जो कि अगर हम लोग फाइंड कर सकते हैं तो नॉर्मली जो चैप्टर में परसेंटेज हो गया प्रॉफिट लॉस हो गया साइज स्केल हो गया मेंस रेशियो हो गया सर्किल हो गया वर्क एंड टाइम इन अगर 5 चैप्टर को हम अगर जो है अगर सही तरीके से तैयार कर लें अभी भी हमारे पास अगर 2-3 दिन का भी मौका है या अभी भी मेरे पास 4-5 घंटे भी हैं कोई बात नहीं अगर हम क्वेश्चन को अगर देख लेंगे एक बार तो मोर देन 75% क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं साइंस पोर्शन की तो साइंस पोर्शन में एक क्वेश्चन पूछा गया था आज के पेपर में फर्स्ट पेपर में पहला ही क्वेश्चन था वो कि यदि हम जल में ब्लीचिंग पाउडर को मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। इस बेस पर 2 क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अलावा लाइफ जीवन चक्र से अगर बायोलॉजी की बात करें तो उसमें 3 क्वेश्चन आए हुए थे। गति से 2 क्वेश्चन आए हुए थे जो कि नॉर्मल पूछा गया था कि बल आघूर्ण और बल आघूर्ण क्वेश्चन था द्रव और बल आघूर्ण से और क्वेश्चन जो था वो सिंपल सा यही था ही कि बल जो आंसर था उसका बल आघूर्ण बने द्रव था ही एनर्जिया। इसके अलावा वर्क एंड एनर्जी जिससे पूछा गया था सिंपल सा एक यूनिट पूछी गई थी इसके क्या मात्रक होते हैं तो सिंपल सी बात है हमको SI यूनिट और MKS यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा क्योंकि क्या है कि नॉर्मल अगर यूनिट क्वेश्चन आते हैं तो वो SI से ही पूछे जाते हैं। SI बोले तो इंटरनेशनल सिस्टम। इस पेज पे क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल आ रहे हैं। मैं बताता हूँ कि इससे आसान पेपर रेलवे का कभी हुआ नहीं था जितना इस बार आसान आ रहा है। तो अभी भी मौका है आप लोगों के पास अगर आपके बच्चे 10 अगस्त 13 अगस्त या आगामी डेट्स को है तो आपको दिक्कत नहीं टेंशन नहीं लेने का सिर्फ और सिर्फ आपको इन 5 चैप्टर्स को तैयार करने हैं अच्छे से और अच्छे से तैयार कर लेंगे अगर आप तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अगर हम बात करते हैं रीजनिंग पोर्शन की तो रीजनिंग पोर्शन से आपके पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन से। स्टेटमेंट और कंक्लूजन से लगभग कम से कम आज की मैं फर्स्ट की बात अगर करता हूँ उसमें कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट और कंक्लूजन से आए थे। 1 क्वेश्चन था कैरेक्टर का आया हुआ था और इसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो डायग्राम से डायग्राम के 2 क्वेश्चन थे। 1 क्वेश्चन इस पेज था जैसे हम लोग जानते हैं क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कुछ एथलीट को ये शो करता है विद्यार्थी को तिंदु शो करता है रेक्टेंगल को खिलाड़ी शो करता है ऐसे आते हैं क्वेश्चन। नंबरिंग का और इसमें फाइंड करना था कि ये कुछ ऐसे कितने छोटे छोटे एथलीट हैं तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मली आते हैं आप लोगों को पता है क्या दिक्कत है जानने की। तो अगर रीजनिंग पोर्शन बात करें तो ज्यादा पूछने वाले स्टेटमेंट कंक्लूजन से आ रहे हैं डायग्राम से आ रहे हैं। मिरर से 1 क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था एलिफेंट दिया गया था और इसका जो है मिरर इमेज हमको बताना था जो कि हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर टेक्नीशियन का इतना आसान पेपर तो पहले कभी आया नहीं था बहुत ही आसान पेपर
पेपर इस बार आया था। तो ये ऐसे पोर्शन हैं जिन्हें अगर हम लोग इस चैप्टर का अगर हम आसानी से अगर हम कर लेंगे तो हमारे मोर देन 75% क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अभी भी मौका है आप लोगों के पास, अभी भी अगर आपके पास 12 घंटे 24 घंटे या 4-5 दिन या 10 दिन हैं तो अगर इस चैप्टर को तैयार करें तो मोर देन, जैसा कि उसमें नोटिफिकेशन में दिया गया था कि सिर्फ और सिर्फ 40% जनरल अंडरग्रेजुएट के लिए था पाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कट ऑफ बनेगी इसकी, आप लोग इसकी दिक्कत ना लीजिए। तो अगर आपको ज्यादातर क्वेश्चन करने हैं और कम समय में करने हैं तो इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तो आज के आज का एनालिसिस देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चन थे जहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए मैंने आपको बता दिया है। कल की क्लास के लिए फिर हम मिलेंगे आपको, लेकिन अगर जिसका पेपर कल है उनके लिए ये तो बिल्कुल राम पहाड़ है। सटीक मैं बताता हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चन इन क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे तो कल की बात मैं करता हूँ मेरी 100% गारंटी है कि उसमें से मोर देन 70% क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे आपको। तो हमारी वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दीक्षा क्लासेस हैदराबाद बाय स्कूल ऑफ सर, थैंक यू क्लास। स्टूडेंट्स की जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम कल है यानी 10 अगस्त का एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट, और वो इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर इसकी वीडियो के लिए बहुत हेल्पफुल होगी तो कल के लिए ऑल द बेस्ट। और हमारा मोटो है हर हर कर हर मैदान होता है, कर हर मैदान होता है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप आसानी से सीख की फर्स्ट फेज को आराम से क्वालीफाई कर देंगे। थैंक यू।